अपन एनर्जी कब फेल हो जाएगी एनर्जी के एंड में। और यही पढ़ाई होती है कि अपन एक टेक्निक सीखी, मैंने उस टेक्निक को डेवलप किया, ग्रो किया, हर चीज सीख ली टेक्निक के, तो ये भी सीखना चाहिए कि कब काम नहीं करेगी। लिमिटेशन भी तो पता होनी चाहिए ना किसी भी चीज की, तो लिमिटेशन है। और ये लोगों को नहीं पता होती दोनों चीजें। दो बार यही सवाल दे चुके सिर्फ इसी पे, ऐसे देगी तो आप नहीं बता दिया मैंने कौन सा आपको पढ़ाया था 50 का आंसर, पर आपको दिख गया जैसे मैंने बी का पूछा आपने बोला 10, और जैसे मैंने डी का पूछा सेम एनर्जी लेवल 50। भाई आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, घुसने के लिए ही है ये जेई का एग्जाम है, पास आउट होने के लिए इतनी करनी होती है, समझा रही बात। तो अपन का सवाल ये तो यदि मैं आईटी के अंदर जाके पेपर क्लियर कर सकता हूं इंजीनियरिंग का, तो मेरा जेई में भी करा दो, ऐसे नहीं होता, वो अलग है। गॉट इट, वैसी चीज है। तो इसी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन के नाम से पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है। तो मैं आपको थोड़े बहुत सवाल दूंगा इस पर प्रैक्टिस करने को, जो हो सकता है आपसे थोड़े बहुत गलत हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, थोड़े से वर्कड आउट एग्जाम्पल वगैरह दूंगा, थोड़ा आप खुद से प्रैक्टिस करके आएंगे तो इससे डर नहीं लगेगा। ये तो हर बार होता है, मैं पूरा पढ़ा देता हूँ और बच्चे इससे डरते रहते हैं, तो इस बार मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि मैं कम पढ़ाऊँ और आप लोगों को सीखने दूँ। इंस्पायर्ड बाय गुड वर्क दैट यू हैव डन, उसमें आपने कुछ फ्रॉड मारे हैं और जबरदस्ती बैठे रहते हैं मिश्रा जी, तो वो सॉल्व वोल्व करते हैं नहीं करते, पूछते पाछते कुछ है नहीं।